The question given is to integrate x to the power 4 plus 1 upon x to the power 6 plus 1 dx equals to tan inverse x f of x minus 2 by 3 tan inverse of g of x plus c. Then we have to find which of the options is correct. तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx. तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 into x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1. टर्म्स को सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर dx अपॉन ये टर्म हमारी हो जाएगी एक्स टू द पावर 6 प्लस 1. इसको हम आई के इक्वल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा i1 और ये हो जाएगा i2. तो पहले हम i1 सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारा i1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब हम x माइनस 1 बाई एक्स को t ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू t. That t square, that is x square plus 1 by x square equals to t square minus 1 equals to t square plus 1. और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा 1 plus 1 by x square dx equals to dt. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 plus t square. तो ये हो जाएगा tan inverse t plus c1 where c1 is the integration constant और t हमारा क्या है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म i1 आ गया. अब हमें i2 चाहिए तो i2 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1. तो अगर हम एक्स क्यूब को t रखें तो 3x स्क्वायर dx ये कितना हो जाएगा dt. तो एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा dt बाई 3. तो अगर हमने इधर सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिलेगा 1 बाई 3 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज 1 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ t और t हमारा क्या था एक्स क्यूब. तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस c2 वे c2 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब हमें i की वैल्यू चाहिए थी तो i कितना, i इज i1 माइनस 2i2 और i1 हमारा आया है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस c1 माइनस 2 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस c2 सॉरी. तो c1 माइनस c2 को अगर हम c ले लें तो हमारा आंसर होगा i इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस c. तो ये हमारा आई की वैल्यू आ गई. अब हमें आई गिवन था कि आई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 2 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी. तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 1 बाई एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब. अब हम दोनों में अगर एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, इधर f of minus x equals to minus x plus 1 by x that is minus of x minus 1 by x and g of minus x is minus x cube that means f of minus x is minus of f of x and g of minus x is minus g of x. मतलब g of x और f of x दोनों क्या हैं, odd function. तो हमारा first option A is correct. अब हमें check करना है कि f of x equals to g of x. f of x मोनोटोनिक फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे f of x is x square minus 1 by x और ये x 0 के लिए वैलिड नहीं है, मतलब 0 पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा. सो f of x is not a मोनोटोनिक फंक्शन, ये हमारा बी ऑप्शन था और ये हमारा ए था। अब हमें सी के लिए चेक करना, तो सी हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज नो रियल रूट्स, दैट मीन्स एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार तो हमें क्या मिलेगा, फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एंड दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने पर ट्वेल्व एक्स माइनस वन टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं टू एक्स इक्वल टू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। तो और यहाँ पे कोई भी रियल रूट आया नहीं रहा है, सॉरी ये ट्वेल्व एक्स स्क्वायर है, तो जगह एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ वन बाई रूट सिक्स। तो कहीं पे भी हमें एक्स की कोई सिमिलर वैल्यू मिल नहीं रही, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये हमें मिल गया इधर, तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है, दिस वन। अब हमें क्या चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो डी अगर हम चेक करें तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर डी एक्स। अगर हम टर्म सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन माइनस ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस टू बाई टू प्लस सी, दैट इज माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये वैल्यू हमारी डी वैल्यू और ये दोनों इनकरेक्ट है, दैट मीन्स हमारा आंसर है ए। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर ऑड फंक्शंस एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हैज नो रियल रूट्स। दिस इज आवर सोल्यूशन।